अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डिजाइनर तस्नीम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लेके आई हूँ वो है दिल्ली का बहुत ही फेमस मोहब्बत शरबत या मोहब्बत का शरबत। इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मोहब्बत का शरबत बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करें। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ठंडा दूध, तो ये रहा रूह अफ़ज़ा शरबत, और मैंने यहाँ पर थोड़े से आइस क्यूब्स लिया है, चीनी, और ये रहा तरबूज। हमने इंग्रेडिएंट्स को तो देख लिया है, तो चलिए इसको बनाने की ओर बढ़े। हमने इसमें थोड़ा सा तरबूज को यूज़ करेंगे। आप भी एक बार इन गर्मियों का मौसम में इस शरबत को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप एक बार इस शरबत को बना के पियेंगे तो फिर से दोबारा आपको पीने का मन करेगा, बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। देखिए, मैंने तरबूज को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, तो इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर जार लिया, उसमें मैं डाल लिया कट करके रखा हुआ तरबूज, और उसमें हम डालेंगे चीनी। मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून भर के चीनी को ऐड कर लिया। अगर आपको और भी थोड़ा सा मीठा पसंद हो तो आप 4 टीस्पून चीनी को भी ऐड कर सकते हो। उसमें मैंने डाल लिया ठंडा दूध, मैंने यहाँ पे 300 ml दूध को ऐड कर लिया। डाल के हमें इसको वीडियो में दिखाया जैसे अच्छे से ब्लेंड करें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, अब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और पास में ही रहा नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और उसको मैंने एक बॉल में डाल लिया, और उसमें डाल लिया थोड़े से आइस क्यूब्स, 1/4 कप रूह अफ़ज़ा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। अगर आप चाहें तो चाकू से तरबूज को छोटे छोटे पीसेस भी कट करके डाल सकते हो। ये प्रोसेस मुझे इजी लगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून का स्पून यूज़ करके वीडियो में दिखाया जैसे इसको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, और उस तरबूज को रेडी करके रखा हुआ शरबत के साथ मिक्स करें। इन दोनों चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करें। है ना बहुत आसान दिल्ली का मोहब्बत शरबत बनाना। तो ये रही आज की हमारी रेसिपी मोहब्बत शरबत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, इस वीडियो को आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, और भी इसी तरह सिंपल एंड इजी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।